हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2018, इस अवार्ड को दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। और इस अवार्ड्स में अलग अलग कैटेगरी है, उन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्लेयर्स को चुना जाता है। और इन सारे जो प्लेयर्स को चुना जाता है, उनको चुनने के लिए अलग अलग सिलेक्शन कमेटी बनाया जाता है। और वो जो सिलेक्शन कमेटी जो है, वो नाम को रिकमेंडेशन करता है और उस रिकमेंडेशन भी जाता है आगे। और उसके बाद में उस रिकमेंडेशन जो नाम आया, उसको स्क्रूटनी किया जाता है, जांच किया जाता है। उसके बाद में भी फाइनल लिस्ट तैयार किया जाता है कि कौन सा प्लेयर या फिर कौन से इंसान किस अवार्ड के लिए योग्य हैं और किस अवार्ड के लिए उनको नामित किया जाएगा। उसके बाद में फाइनल लिस्ट तैयार किया जाता है। तो फाइनल लिस्ट जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 को घोषणा कर दिया गया है। और इस अवार्ड जो भी अवार्ड विनर हैं, जो भी अवार्डी है, उनको 25 सितंबर 2018 को राष्ट्रपति भवन में एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उस फंक्शन के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा इन सारे प्लेयर्स को अवार्ड दिया जाएगा। इन सारे प्लेयर्स को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखें तो आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया जाता है। और इसमें जो है वैसे प्लेयर्स को चुना जाता है जो कि 4 साल लगातार मोस्ट आउटस्टैंडिंग और स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, यानी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस के लिए 4 साल उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो वैसे प्लेयर्स को चुना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके लिए जो राशि है वो है 7.5 लाख है। और उसके साथ साथ साइटेशन दिया जाता है, तो 7.5 लाख है, जो कि सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल कैटेगरी में राशि है। और इस बार जो चुना गया है 2018 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो है मिस एस मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग से हैं, और श्री विराट कोहली जो कि क्रिकेट से हैं। तो मीराबाई चानू और विराट कोहली दोनों को चुना गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, क्योंकि ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रहा है इनका लगातार 4 सालों में। उसके बाद में अगला कैटेगरी जो देखें वो आता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड 2018 के लिए देखें तो टोटल जो है इस बार लगभग 20 प्लेयर को दिया गया है। इस बार टोटल 20 प्लेयर को दिया गया है कौन सा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड 2018। अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है कोई भी प्लेयर जो कि कंसिस्टेंसी 4 साल तक जिनका कंसिस्टेंसी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो वैसे प्लेयर को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। इसमें जो है 5 लाख रुपये का राशि दिया जाता है और उसके साथ साथ साइटेशन दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड में अगर इस बार के प्लेयर में देखें तो नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स से हैं, उसके अलावा नायब सूबेदार जिनसन जॉनसन, ये भी एथलेटिक्स से हैं, हिमा दास ये भी एथलेटिक्स से हैं, और नील कुर्थी सिक्की रेड्डी ये बैडमिंटन से हैं, सूबेदार सतीश कुमार ये बॉक्सिंग से हैं, मिस स्मृति मंधाना ये क्रिकेट प्लेयर हैं, स्मृति मंधाना, और शुभंकर शर्मा ये गोल्फ से हैं, मनप्रीत सिंह ये हैं हॉकी से, और मिस सविता ये भी हैं हॉकी से, और कर्नल रवि राठौर ये हैं पोलो से, और राही शरणोबाद, मिस राही शरणोबाद ये हैं शूटिंग से, श्री अंकुर मित्तल ये भी हैं शूटिंग से, और श्रेयसी सिंह ये भी शूटिंग से हैं, और मिस मनिका बत्रा ये जो हैं टेबल टेनिस से हैं, और जी साथियन ये भी टेबल टेनिस से हैं, रोहन बोपन्ना टेनिस से हैं, और श्री सुमित जो हैं वो हैं रेसलिंग से, और पूजा कादियन जो हैं वुशु से हैं, और श्री अंकुर धर्मा ये हैं पारा एथलेटिक्स हैं, और श्री मनोज सरकार ये हैं पारा बैडमिंटन। तो ये सारे प्लेयर हैं जो कि इस बार के अर्जुन अवार्डी हैं। उसके बाद का जो अगला कैटेगरी है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है, वो दिया जाता है कोचेज़ को दिया जाता है, ताकि इन सारे जो कोच है जो प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और वो प्लेयर जो है अवार्ड जीतने लायक होते हैं, तो इन सारे कोचेज़ को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। यानी ये जो होते हैं ट्रेनर होते हैं। इसमें जो है इस बार 2018 में 8 नाम आया है। सूबेदार चनंदा अचिया कुटप्पा ये बॉक्सिंग से हैं, विजय शर्मा वेट लिफ्टिंग से हैं, श्रीनिवास राव टेबल टेनिस से, सुखदेव सिंह पन्नू एथलेटिक्स से, क्लेंस लोबो हॉकी से, तारक सिन्हा क्रिकेट से, और जीवन कुमार शर्मा जूडो से हैं, और श्री वी आर बिड्डू ये जो है एथलेटिक्स से हैं। तो ये सारे जो हैं ये द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। उसके बाद में जो अगला कैटेगरी आता है वो आता है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है उन सारे खिलाड़ियों का, प्लेयर्स का, जो कि जिनका लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन रहा है उस खेल में।
तो ध्यानचंद अवार्ड में, इस बार के अभी ध्यानचंद अवार्ड में जो है 5 लाख रुपया दिया जाता है और साइटेशन दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड 2018 में देखें तो सत्यदेव प्रसाद जो कि आर्चरी से हैं, तीरंदाजी से, भरत कुमार छेत्री हैं हॉकी से, और बॉबी एलोइशियस हैं एथलेटिक्स से, और दादू दत्तात्रेय चौगुल दादू दत्तात्रेय जो है रेसलिंग से हैं, कुश्ती से हैं। तो ये हो गए ध्यानचंद अवार्ड। अब अगला अवार्ड जो है वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसके लिए दिया जाता है कि वैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड, कॉरपोरेट जगत के लोग जो कि या तो प्राइवेट हों या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट के हों, जो कि खेल को प्रोत्साहित करते हैं, ये इंडिविजुअल कैटेगरी में भी दिया जा सकता है, या फिर जो प्राइवेट जो है कंपनी या फिर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लोगों के द्वारा भी दिया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इस बार दिया गया है वो दिया गया है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग बडिंग एंड यंग टैलेंट, ये दिया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है। दूसरा देखें इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दिया गया है JSW स्पोर्ट्स के द्वारा, और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के लिए द्वारा दिया गया जो है ईसा आउटरीच। तो ये तीन जो है कंपनीज हैं, ये तीन जो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिट के हैं जो कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इस बार जीते हैं। उसके बाद जो अगला कैटेगरी आता है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इस बार जो जीता है वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ये किस लिए दिया जाता है? तो ये टॉप यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जो कि स्पोर्ट्स में टॉप परफॉर्मेंस रहा है, और जितना भी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता है उन सारे टूर्नामेंट में जो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी होता है उसको दिया जाता है MAK मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड 2017-18 के लिए दिया गया है। और इस बार जो दिया गया है किसको है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। इसके तहत जो है 10 लाख रुपये जो है दिया जाता है। तो ये हो गए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 के खिलाड़ियों के नाम और उनके अवार्ड्स जो कि एग्जाम के लिए, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय।